नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल ड्रीमर्स पर। दोस्तों आज है 29 फरवरी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 29 फरवरी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं दोस्तों उनको डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हम इस वीडियो में क्या करेंगे आपको मैं बता देता हूँ एक बार पहले। इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन तो उनके पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे, पहले रिवाइज करेंगे मतलब, और फिर आज के डिस्कस करेंगे उसके बाद। और दोस्तों जो इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके इसके पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। दोस्तों दोस्तों ये 97 पार्ट है किसका? करंट अफेयर सीरीज का दोस्तों। और दोस्तों हमारे चैनल पर मंथली भी करंट अफेयर की वीडियोस है, आप जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात नोट करके बता देता हूँ, दोस्तों हमारे जो चैनल है दोस्तों उस पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे कि करंट जीके 2020। तो इसमें आपको जैसे कि बजट हो गया, फिल्म फेयर अवार्ड्स हो गए, पद्म अवार्ड्स हो गए, आपको सारी वीडियोस इसमें मिल जाएगी दोस्तों जो भी करंट से रिलेटेड है। और दोस्तों एक है जीके ट्रिक का बाप 2020। इसमें दोस्तों हमने जो भी स्टेटिक जीके होती है जो याद करने में थोड़ी कठिनाई आती है उसमें, उसको हमने बहुत ही अच्छी और आसानी आसानी ट्रिक से दोस्तों उनको बताया हुआ है। और दोस्तों हमारी एक नई प्लेलिस्ट है जिसका नाम है इंग्लिश वोकैब ट्रिक्स। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और दोस्तों इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है, इसको आप जाके हम इनको चेक कर सकते हैं सभी वीडियोस को। दोस्तों अपनी वोकैब को अच्छी कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। तो दोस्तों क्या करेंगे हम, अब करते हैं करंट जो करंट अफेयर के हमारे कल के रिविजन थे उनको रिवाइज करते हैं पहले हम क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, भारत और किस देश के बीच संयुक्त वायुसेना युद्ध अभ्यास इंद्रधनुष का 5वां संस्करण शुरू हुआ है? दोस्तों भारत और किस देश के बीच में? भारत और ब्रिटेन के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास इंद्रधनुष का 5वां संस्करण? जानेज जनसा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? स्लोवेनिया के दोस्तों, जानेज जनसा। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यानी कि UNHRC के प्रस्ताव से अलग हो गया है? दोस्तों कौन सा देश? श्रीलंका। एनआरसी और नए एनपीआर के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला भाजपा शासित राज्य कौन है? दोस्तों कौन है? बिहार। ये भी आप याद रखें दोस्तों, इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन है दोस्तों, याद करते हुए और दोस्तों नोट करते हुए जरूर चलें। जावेद अशरफ को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? दोस्तों किस देश में? फ्रांस में। अरुण ग्लोबल के अनुसार, हुरुन ग्लोबल के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस। हाल ही में तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लोचशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। पांच पांच बार की ग्रैंड स्लैम विजेता ने हाल ही में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? दोस्तों किसने की है? मारिया शारापोवा ने दोस्तों, एक रशियन टेनिस खिलाड़ी है। चलते आगे बढ़ते दोस्तों, हाल ही में G20 देशों के वित्त मंत्री तथा केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? दोस्तों रियाद में। और दोस्तों इसकी जो विषय रहा वो क्या रहा? 21 सदी के अवसरों की सभी के लिए पहचान। ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों, आपको पता भी होगा दोस्तों कि जैसे कि किसी भी इवेंट की या फिर किसी भी साल की जो विषय होता है या फिर थीम होती है वो भी एग्जाम से पूछी जाती है। 20 से 25 फरवरी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा अंतरराष्ट्रीय केला सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तिरुचिरापल्ली में। तिरुचिरापल्ली में, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, तो ये थे हमारे दोस्तों कल करंट अफेयर के क्वेश्चन, इनको हमने रिवाइज कर लिया है। अब क्या करेंगे हम, जो आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनको रिवाइज करते हैं यानी उनको डिस्कस करते हैं। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? दोस्तों SN श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। किस देश ने एक अनोखा तरीका अपनाते हुए पाकिस्तान को टिड्डी दल हमले से बचाने के लिए बत्तख दल भेजने की घोषणा की है? दोस्तों किस देश ने? चीन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं। रियलमी और शाओमी द्वारा अपने स्मार्टफोन में भारत का नेविगेशन सिस्टम नेव आईसी इस्तेमाल करने की घोषणा की है?
नेव आईसी का पूर्ण नाम क्या है दोस्तों, यानी कि पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कंस्टेलेशन, नेविगेशन विद इंडियन कंस्टेलेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया दोस्तों, कब मनाया गया? 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों। और जिसकी थीम रही वो क्या रही? वुमेन इन साइंस, यानी कि विज्ञान में महिलाएं। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस उच्च न्यायालय ने राज्य के सभी कॉलेजों एवं स्कूल परिसर में सभी प्रकार की राजनीतिक आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों। किस उच्च न्यायालय ने? केरल उच्च न्यायालय ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो केरल हमारा राज्य है उससे संबंधित जो भी स्टेटिक जीके है दोस्तों, आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो, यानी कि वहां के जो नेशनल पार्क है वो कौन कौन से है, बांध कौन कौन से है दोस्तों, वहां के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है, वहां का राजकीय पशु क्या है, सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों, आप नोट कर सकते हो साथ में। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। आर्थिक मामलों की समिति ने कितने करोड़ रुपए की कुल लागत वाले राष्ट्रीय राजनीति वस्त्र मिशन की स्थापना की मंजूरी दे दी है दोस्तों? कितने करोड़ रुपए की? 1480 करोड़ रुपए की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हेनेकुया साल्मिनिकोला नामक एक छोटे परजीवी की खोज की है जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है दोस्तों? तो उस परजीवी का क्या नाम है? तेल, यानी कि किस यूनिवर्सिटी ने इसकी खोज की है? तेल अवीव यूनिवर्सिटी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भारत सरकार ने किस म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट के साथ सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए दोस्तों? कितने समझौते पर? 10 समझौते पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। म्यांमार से संबंधित जो भी स्ट्रेटेजी, यानी कि वहां के कैपिटल क्या है, प्रेसिडेंट कौन है, काउंसलर कौन है, संसद का क्या नाम है दोस्तों, और मुद्रा का क्या नाम है, आप नोट कर सकते हो नीचे से। चलते क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 पे। 11 से 12 अप्रैल रेस RAIS रेस 2020 शिखर सम्मेलन, ये याद रखें दोस्तों, रेस 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और इसकी जो रेस होता है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म क्या है? रेस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको वहां पे बहुत सारी बेनिफिशियल जो भी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स होती है दोस्तों, आपको वहां पे सारी मिल जाएगी। हमारी प्लेलिस्ट है जो ट्रिक की, और दोस्तों हमारी जो वोकैब वाली ट्रिक है वे भी आप जरूर देखें, और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।